जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज हम अरबी की बात करेंगे। भारत के अलग अलग हिस्से में अरबी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसके पत्तों की पकौड़ी बनाकर खाना पसंद करते हैं तो कुछ इसकी सब्जी बनाकर खाना पसंद करते हैं। कई जगह इसे व्रत के रूप में फलाहार में भी खाया जाता है। आसानी से मिल जाने के बावजूद अरबी बहुत अधिक लोकप्रिय सब्जी नहीं है, पर इसके फायदे दोस्तों चौंकाने वाले हैं। ये फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। चलिए विस्तार से अब अरबी के फायदे देख लेते हैं। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है। अरबी में सोडियम और वसा काफी मात्रा में होती है, लेकिन इसमें कई मिनरल्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो रक्त संचार को ठीक करते हैं। ये तनाव को दूर करने, रक्त संचार को नियमित करने में बेहतर सहायक होती है। दोस्तों, अगर किसी को पेट में गैस की समस्या है तो अरबी के पत्ते डंठल के साथ लिए जाएं और पानी में उबालकर पानी को छान लिया जाए। फिर इस पानी में उचित मात्रा में घी मिलाकर 3 दिनों तक दिन में 2-2 बार लिया जाए तो लंबे समय से चली आ रही गैस की समस्या में फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी को लंबे समय से खांसी है तो उबली हुई अरबी को खाने से पुरानी खांसी चली जाती है। कई इलाकों में आदिवासी इसे शहद में मिलाकर लेने की सलाह भी देते हैं। दोस्तों, ये कैंसर मिटाने में भी मददगार साबित होती है। अरबी में विटामिन ए, विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये सभी शरीर को कैंसर से मुक्त रखने में मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में कीड़े ने काट लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अरबी को छीलकर आप उस जगह पर रगड़ लीजिए। आप देखिए कि जो जहर है वो धीरे धीरे उतर जाएगा, जहर खत्म हो जाएगा और आपको जहाँ कीड़े ने काटा है वो जगह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अरबी का सबसे बड़ा फायदा मधुमेह को खत्म करने के लिए माना जाता है। अरबी की जड़ों में प्राकृतिक फाइबर मौजूद होता है जिससे शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा उचित स्तर पर बनी रहती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से अरबी मधुमेह से शरीर को मुक्ति दिलाने में सहायक होती है, साथ ही बीमारियां दूर करने में भी अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर किसी स्थान पर जल गया है तो क्या करना है, अरबी को पीस कर लगा लीजिए, आपको फफोले नहीं पड़ेंगे और जलन भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो पा रहा है तो अरबी वजन को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगी। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए अरबी ऐसा करने में सहायक साबित होगी। दोस्तों, त्वचा की सेहत के लिए अरबी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है। इसकी वजह से त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में ये मदद करती है। इसमें मौजूद सभी विटामिन शरीर की त्वचा को लंबे समय तक सेहतमंद और चमकदार बनाए रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होती है। दोस्तों, हृदय रोगों में भी ये बहुत अच्छी पाई जाती है। बड़ी इलायची, काली मिर्च, काला जीरा, अदरक आदि से तैयार अरबी की सब्जी कुछ दिनों तक नियमित सेवन करने से हृदय संबंधित प्रॉब्लम और खून की कमी जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।